यहाँ पर बारात जैसी धूम मची हुई है, लोगों की भीड़ है। आखिरकार यह क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? हम तो आते के साथ झूमने लगे, अब जैसे बाजा बजेगा तो किसी का भी पैर थिरकेगा। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हम मौजूद हैं भारत के छत्तीसगढ़ स्थित सरगुजा में और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ कर क्या रहे हैं बाजे गाजे के साथ। तो सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं, अपना नाम पहले नसीम साहब जी। नसीम, नसीम जी, ये क्या, ये शोरूम के बाहर जो है बाजे गाजे के साथ इतने लोग, क्यों, क्या हो रहा है भाई? ये अपना सर्विसिंग के लिए आई हुई थी गाड़ी, हुंडई क्रेटा, तो इसमें खराबी आ गई। एक क्या खराबी हो गया? इंजन। कितना दिन पहले लिए हैं ये? अभी ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 4-5 महीने हो रहा है। 4-5 महीने हो रहे हैं। कैमरामैन दिखाएंगे इस गाड़ी को। अरे ये जूते की माला क्यों पहना दिए? बस सम्राट भेंट है, लिखा हुआ है न्यू क्रेटा हुंडई को, मेरे तरफ से जूते चप्पल सैंडल की सम्राट भेंट, माला पहनाया गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा है, 17 जुलाई को, 17 जुलाई को गाड़ी अपने वर्कशॉप में आई हुई थी, 17 जुलाई को ये अपने इंजन में कुछ प्रॉब्लम था, ठीक। ये आया 17 जुलाई को, अपना चेक उक कराया, टेस्टिंग उस्टिंग हुआ, अपने चले गए। इसके बाद बताया जाता है 10 दिन बाद 10 अगस्त को बता रहे हैं इन लोग कि आपके गाड़ी में पानी आ गया है। पानी आ गया, पानी घुस गया, कैटकोट कन्वर्टर होता है ये, उसमें पानी आ गया है। अच्छा। जिसकी कीमत आपको 1,00,000 रुपया चुकानी पड़ेगी। अच्छा, पानी की कीमत 1,00,000 रुपया? 1,00,000 रुपया उसका सामान का बताया जा रहा है। अच्छा अच्छा। और यही नहीं, क्या किया, 17 जुलाई को अपने पास गाड़ी आई थी, 17 जुलाई से लेके 25 अगस्त को तक रखे थे इन लोग। और यहाँ नहीं, आपका पूरा इसका पूरा वारंटी रद्द कर दिया। अच्छा, वारंटी भी रद्द हो गया, मतलब वारंटी रद्द, इतनी महंगी गाड़ी का वारंटी। देखिए क्या है ना कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो वासी हैं वो बहुत भोले भाले हैं, तो ये ज़्यादा अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो ये अंग्रेजी में आप लिख दिए हैं। अच्छा, मतलब वो हुंडई के मालिक के लिए लिख दिए हैं कि सीधा जो है उनके पास जाए। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ वासी को जो है संतुष्ट करें कि ये लिखा क्या है गया है, ये पहले ये क्या लिखा हुआ है, म्युनिसिपैलिटी गैरेज पिकअप, यानी इसका मतलब होता है नगर निगम का गाड़ी, हुंडई क्रेटा। अच्छा, नगर निगम, इतनी महंगी गाड़ी जो है आप नगर निगम, नगर निगम। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा जी, ये इसके बारे में आप समझाएंगे। लिखा हुआ है ये कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। गाड़ी छोटी मोटी चीज नहीं है, सोच समझ के लेने वाली चीज है, पैसा बर्बाद वाली चीज नहीं है, इसलिए मैं इसको लिखवाया गया है ऐसे कि जो मेरे साथ हुआ हो और किसी के साथ ना हो। अच्छा अच्छा, ये अंग्रेजी में ऐसा लिखा हुआ है। ये ऊपर में भी कौन बैठा हुआ है उसके बारे में बताइए। ये बस जूता चप्पल का माला पहनाया गया है न्यू क्रेटा को। अच्छा, न्यू क्रेटा को सम्राट भेंट है मेरी तरफ से। अच्छा अच्छा, तो किसको भेंट देने वाले हैं आप? क्रेटा को, क्रेटा वाले को। अच्छा, क्रेटा वाले को, जो इनके मालिक हैं, सर्विस वाले हैं, कंपनी वाले हैं, मेरे तरफ से सम्राट भेंट है उनके गाड़ी को। यहाँ पर भी अंग्रेजी में कुछ लिखे हुए हैं, ये क्या है बताइए इसके बारे में? लिखा हुआ है एनी वन नीड ए व्हीकल टू पिक अप गैरेज देन कनेक्ट माई व्हीकल दिस रेडी, मतलब आपको वाहन की आवश्यकता हो कचरा उठाने के लिए तो मेरी गाड़ी रेडी है, वो भी हुंडई क्रेटा। अच्छा, कचरा उठाने के लिए इतनी महंगी गाड़ी रे? जी। अरे वाह, बड़े लोगों की बात ही कुछ और रहती है, यहाँ भी कुछ अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। भाई इस दर्शकों को बताएंगे कि क्या लिखा जी हुआ? लिखा हुआ है इसमें हुंडई न्यू क्रेटा इंजन ब्रोकन डाउन, मैं सीधा समझा दे रहा हूँ आपको। ये इसमें लिखा हुआ है ये हुंडई की न्यू गाड़ी इंजन है, जो इंजन इसकी ख़राब हो गई, और इसमें ये लिखवाया हूँ मैं 50 किलोमीटर चलने के बाद नई नई प्रॉब्लम इंजन में आनी है। अच्छा, जिसकी कीमत 1,00,000 रुपये। और यही नहीं, मतलब एक एक जो पार्ट्स जो बदलते जाते हैं उनकी कीमत 1,00,000 रुपये। अच्छा। और यही नहीं, 25 दिन तक गाड़ी रख के यहाँ मेरी वारंटी भी रद्द कर दी इन्होंने, मतलब 25-30 बार अगर ले आए शोरूम में तो 25-30 लाख रुपए जो है सही चले, मतलब नई गाड़ी और आ जाएगी खत्म। एक नई गाड़ी क्या मतलब होगा, गाड़ी का मतलब कोई मतलब ही नहीं होगा। हर दिन आप हर सर्विसिंग में 1,00,000 रुपये लगाएंगे तो क्या मतलब का गाड़ी लेना हुआ। चलिए ठीक। अच्छा, एक जानकारी बहुत ज़रूरी हो गया साझा करना कि वाहन
जो है क्रेटा जो है वो प्रीमियम क्लास की जो है वाहन है, और इसे जो है गरीब अपने या मध्यम वर्गीय लोग जो है ख़रीद नहीं पाते। बाय द वे, बहुत मशक्कत करने के बाद में, यहाँ वहाँ से कर्ज वर्ज लेने के बाद में, यदि कोई शौक पूरा भी कर लेता है तो इनके भारी भरकम खर्चों की वजह से वह टोटली बर्बाद होता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर जो है क्रेटा वाहन मालिक के द्वारा कृष्णा हुंडई डीलर के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के ठंडे प्रदेश को आप जानते हैं जिसका नाम है शिमला, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी शिमला कहे जाने वाला सरगुजा मैनपाट होता है, वहाँ पर कितनी ठंड होती है। लेकिन अभी वही ठंड का एहसास जो है इस शोरूम के अंदर में आते हुए मुझे लगा, लेकिन खैर यह तो अलग बात है। यहाँ पर हमारे साथ अभी मौजूद हैं जिस हुंडई कार का आप अनोखा विरोध देखे थे, उन्हीं के मैनेजर हैं या इन्हीं के कर्मचारी हैं जो उक्त घटना के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे। हम जैसे पत्रकारों को एसी का जो है ठंड हजम नहीं होता, बंद कर दीजिएगा भाई साहब। चलिए तो सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। माय नेम इज दीपक कुशवाहा, आई एम सर्विस मैनेजर सिंस 5 ईयर इन कृष्णा हुंडई अंबिकापुर शोरूम। ओके, तो ये जो है अनोखा विरोध किया गया, चप्पल माला पहना कर क्रेटा जैसे क्रेज वाली गाड़ी का जो है विरोध। सर देखिए, मैं अभी एक इंटरव्यू दे चुका हूँ सर को, है ना, उसमें आप भी सुने हुए हैं कि भाई नहीं, देखिए किसको आप क्या दिए हैं उससे मतलब नहीं है। ये भारत समान है, अभी से देखना चालू कर रहे हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़वासी, देशवासी। तो अभी से आप बताना चालू कीजिए कि आखिरकार शुरू से क्या घटना थी, क्यों विरोध करना पड़ा, क्या आखिर वजह है इनकी गाड़ी। ये एक ऑटो डील से गाड़ी खरीद के लाए थे, ये क्या नाम है, गणपति ऑटो डील है कोई रायगढ़ में, कोई है कि वास्तव में है, वास्तव में कोई मतलब कोई एक ऑटो डील है जहां से इन्होंने अपनी गाड़ी को खरीदा है जी। और क्या बोलते हैं, जब गाड़ी खरीदने के बाद ये हमारे शोरूम में आए, इनकी गाड़ी में क्लस्टर मीटर में कोई डीपीएफ लाइट जलती है, वो जलने का प्रॉब्लम आया। उनका कहना है कि मेरे गाड़ी में लाइट जल रहा है मीटर में, चेक कीजिए। हमने अपने केस को एक्चुअली गाड़ी 130,000 के आसपास चली हुई है और गाड़ी वारंटी में, अभी अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ द सेल वारंटी। हिंदी में बड़ा विरोध करता हूं मैं, चाहे आईएसओ या आईपीएस हो, मैं हिंदी में बोलता हूं कि बात करो, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और छत्तीसगढ़वासी बहुत भोले भाले हैं, और हिंदी में उससे बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भले ही आप प्रीमियम क्लास ग्राहकों को, जो आप जो भी जैसे अंग्रेजी में कुछ करते हो, हिंदी में समझाइए कि क्या आप बोलना चाह रहे थे। इन्होंने अपनी गाड़ी गणपति ऑटो डील से खरीदी थी, इसके बाद इनके गाड़ी में डीपीएफ का कोई इशू आया तो हमारे वर्कशॉप में लेके आया। जब हमने चेक किया तो उसमें क्या बोलते हैं, एक प्रॉब्लम का कोई जो भी कोई कोड आया था, हमने केस को एस्केलेट किया हुंडई में। हुंडई में एस्केलेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू मतलब हम उनके नॉर्म्स के हिसाब से, जो भी उनका चेकिंग पॉइंट रहता उस हिसाब से हमने चेक किया और अपना मेल करके हुंडई में हमने एस्केलेट कर दिया। उसके बाद रिप्लाई आया कि इसके एक कैट कौन होता है उसमें रस्टिंग आ गया है, जिसके चक्कर वारंटी नहीं जाएगा। और इससे पहले उनका कहां काम हुआ था, शायद किसी और भी डीलरशिप में काम हुआ होगा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि हमारे हुंडई में यहाँ पे आया है गणपति ऑटो से। नहीं, एक बात एकदम आसान शब्दों में समझाइए पूरे भारत देशवासियों को कि गाड़ी जो है कि कहीं से भी ले वो, लेकिन भारत में कहीं पे भी वर्कशॉप होता है, वहां जा करके वो बनवा सकता है। बोलिए सही बात है, 100% सही है। तो इस बात को क्लियर कीजिए कि आखिरकार यदि कस्टमर कोई भी अगर गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी है, देखिए मैं समझ रहा हूँ लाखों का खर्चा एक बार सर्विसिंग में, मैं सब समझ रहा हूँ, लाखों का खर्चा हो, हजारों का खर्चा हो, कस्टमर गाड़ी लिया है तो उसको सर्विस कहीं ना कहीं करवाना होगा, ऑथराइज सर्विस स्टेशन में उसका हक है, जाके करवाए वो। लेकिन हमारे पास इस प्रॉब्लम के लिए आया, हमने उस गाड़ी को चेक किया, जो भी हमको फाइंडिंग्स मिली हमने एस्केलेट किया हुंडई में, और उनके हिसाब से उनका कहना है कि इसमें रस्टिंग आ गया है कैटकॉन में, जिसके चक्कर में वारंटी में पास नहीं होगा, और ये चीज़ का हम लोग मेल भी कर, इसका हल निकालना चाहिए आप जैसे लोगों को मिल करके। देखिए मैं एक डीलर का स्टाफ हूँ, आप भी जान रहे हैं एक डीलर का स्टाफ हूँ, और कोई भी डीलरशिप वारंटी नहीं देता। हुंडई OEM है, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, जिनका निर्देश को हम पालन करते हैं सर कि भाई यदि ये कौन है लोग जो ऐसे निर्देश बनाते हैं, ऐसे नियम बनाते हैं ताकि उपभोक्ताओं का ही दोहन हो सके, ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं ऐसे लोग भाई? सर मैन्युफैक्चरर्स हम, अब इसके बारे में और नहीं, मैं बता दिया हूँ कि वारंटी। देखिए ये अपने जवाबों से बच रहे हैं, शायद जितना इन्हें बोलने को बोला गया होगा शायद उतना ही बोलेंगे, क्योंकि ये कर्मचारी हैं और कर्मचारी का दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने वाले लोग जरूर इस वीडियो को पहुँचाएँ संबंधित विभाग के, संबंधित डीलर के स्वामी, या फिर बोल लिया जाए मैन्युफैक्चरर करने वाले भारत के उन तमाम अधिकारियों तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि भारत के लोग, भोले भाले लोग जो है अन्य किसी वाहन के वजह से छले ना जाए। आपने वाहन मालिक के अनोखे विरोध को देखा, आपने शोरूम संचालक के बयान को भी सुना।
फैसला अब आपके हाथ में है, क्या सही क्या गलत। आप हुंडई कार के दीवाने हैं तो यह खबर आपके लिए बेशक हो सकती है। यहाँ पर एक क्रेटा वाहन मालिक के द्वारा हुंडई कार का बकायदे जूता चप्पल की माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ बारात निकाला गया, वह भी अंबिकापुर स्थित कृष्णा हुंडई कार शोरूम के ठीक सामने। यह एक अनोखा विरोध जरूर हो सकता है, पर सवालिया निशान तो हर कार शोरूम संचालक के ऊपर अब उठना लाजमी है। कहीं इन संचालकों द्वारा आपके जेब में भी तो डाका नहीं डाला जा रहा। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात, हुंडई कार कंपनी के मालिक चुंग जू युंग है। इनका जन्म 25 नवंबर 1915 को नॉर्थ कोरिया में हुआ था, जिन्होंने हुंडई मोटर कार की स्थापना 29 दिसंबर 1967 में दक्षिण कोरिया के सिहोल शहर में की थी। इसके वर्तमान चेयरमैन और सीईओ चुंग मोंगकू हैं। यह सब बताना इसलिए जरूरी है कि आज इनके ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर हुंडई का कुछ एजेंसी संचालकों द्वारा खुलेआम मनमानी की जा रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत के छत्तीसगढ़ स्थित सरगुजा से आ रहा है। लंबे कतार के पश्चात यह मॉडल क्रेटा उपभोक्ताओं तक बमुश्किल पहुंच पाता है। इसका क्रेज वास्तव में देखने सुनने को मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से यह मॉडल प्रीमियम क्लास का माना जाता है, मतलब कि इसे सामान्य व मध्यम वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते। कुछ यदि अपनी शौक के खातिर कर्ज लेकर अपनी इच्छा की पूर्ति करते भी हैं तो डकैत नुमा शोरूम संचालकों के चंगुल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई बर्बाद कर देते हैं। भारतीय उपभोक्ताओं का उत्साह तब खत्म हो जाता है जब एजेंसी डीलर कंपनी के बने हुए नियमों को ताक में रखकर अपनी मनमानी करने लगते हैं। हाल ही में एक क्रेटा वाहन के मालिक के द्वारा पुलिस अधीक्षक सरगुजा को शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि मेरे साथ कृष्णा हुंडई कार एजेंसी के डीलर द्वारा छल पूर्वक लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं और मेरी नई क्रेटा वाहन को चलाने में आए दिन नए नए खर्चे जुड़ते जा रहे हैं। फिर नया वाहन खरीदने का क्या मतलब, मैं अब ठगा सा महसूस कर रहा हूँ। शायद इसलिए ही यह विरोध करना पड़ रहा होगा। आप इस वीडियो को भारत के किसी कोने से देख रहे हों, जल्दी शेयर करें ताकि कंपनी के मालिक चेयरमैन व सीईओ तक यह बात पहुंच जाए और इस विभाग के जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सके। इनकी मनमानियों पर तब तो जल्द से जल्द रोक लग सकेगा। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।